सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में दोषियों की रिव्यू पिटीशन पर सोमवार को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चारों दोषियों को पिछले साल 5 मई को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर भानुमति की बेंच सोमवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर में फांसी की सजा पाए दोषियों की अर्जी पर फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन दोषियों ने एक एक कर रिव्यू पिटीशन दाखिल की। नियम के तहत रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 4 मई 2018 को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया के पेरेंट्स मौजूद रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।